तो भाई लोग सुपीरियर संडे के 6th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिससे आम जनता को तो नहीं मगर एक सुपर हीरो फैन को जरूर फर्क पड़ता है। तो इसलिए चलो शुरुआत करते हैं मार्वल यूनिवर्स से, जिसमें शायद हमें एडम ड्रीवर एज मिस्टर फैंटास्टिक दिख सकते हैं और उसी के साथ हमें सू स्टॉर्म के रोल के लिए डकेता जॉनसन देखने के लिए मिल सकती है। वैसे तुम किसको इन रोल में देखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब इसी के साथ अगर तुमने स्पाइडरमैन नो वे होम अभी तक नहीं देखी तो सुनो कि वो तुम्हें जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी डिज्नी हॉटस्टार पर। अब इसी के साथ अगर बात करें क्रिस इवांस एके कैप्टन अमेरिका की वापसी की, तो इस पर क्रिस इवांस का कहना है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। उनका ये कहना है कि यार मुझे ये रोल बहुत पसंद है, कौन नहीं चाहेगा किसी भी कॉमिक कैरेक्टर को रियल लाइफ में जीना, मगर जल्दबाजी में वो इस कैरेक्टर को खराब नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि फिलहाल एंथनी मैकी कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए परफेक्ट है, तो अगर फ्यूचर में कभी मेरी यानी कैप्टन अमेरिका की वापसी हुई तो सबसे पहले तुमको पता चलेगा। बाकी इसी से हम समझ सकते हैं कि क्रिस इवांस के लिए भी कैरेक्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फैंस के लिए। अब इसी के साथ लोकी सीजन 2 के भी कुछ अपडेट आ चुके हैं, जिसमें कि सीरीज को अब 2023 तक पुश कर दिया गया है। इसका एक रीजन जोनाथन मेजर एके कैंग भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि उन पे काफी लीगल एलिगेशन लगे हुए हैं और इसीलिए शायद मार्वल सब कुछ नॉर्मल होने का वेट कर रही है। अब यहाँ पे जोनाथन मेजर्स की बात होगी है तो बात करते हैं उन्हीं के बारे में, जहाँ पर कुछ और विक्टिम सामने आए हैं जिन्होंने उन पर एलिगेशन लगाए हैं। पर इस पर जोनाथन के लॉयर यानी प्रिया चौधरी का कहना है कि वो बिल्कुल इनोसेंट है और जितने भी जरूरी सबूत थे वो ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट कर चुके हैं। बाकी फिलहाल मैं इस पे पर्सनल रिव्यू नहीं देना चाहता। अब इसी के साथ अगर बात कर ले स्कारलेट विच के रिटर्न की एमसीयू में, तो इसके लिए काफी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि एलिजाबेथ ओल्सन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट मार्वल के साथ। अब साथ में हमें गार्डन ऑफ द गैलेक्सी की नेबुला के नए अपग्रेड देखने के लिए मिल चुके हैं, जहाँ पर उसका हैंड हमें आयरन मैन के इस सीन की याद दिला रहा है। बाकी ये अपग्रेड कितना पावरफुल हो सकता है ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। पर चलो बात करते हैं डीसी यूनिवर्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले मैं हेनरी कैविल का लास्ट कैमियो द फ्लैश की अपकमिंग मूवी में देखने के लिए मिलने वाला था, पर शायद अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि जेम्स गन ने कहा था कि हेनरी कैविल के सुपरमैन के दिन अब पूरे हो चुके हैं। पर इसी के साथ डीसी में मल्टीवर्सल पोर्टल खुल चुके हैं, क्योंकि हमें शज़ैम देखने के लिए मिला टाइटंस के लेटेस्ट एपिसोड में, जिसकी वजह से अब इस शो की हाइप एक अलग ही लेवल पर जा चुकी है। इसी के साथ जेम्स गन ने हेनरी कैविल और कुछ और कैरेक्टर्स के अनसीन पिक्चर्स को पोस्ट किया है, जो कि देखने में काफी सही है। अब साथ में जेम्स गन ने बताया कि वो चाहते थे कि जस्टिस लीग मूवी में बैटमैन और लोइस लेन का एक रोमांटिक एंगल हो, जिसमें कि सुपरमैन मर चुका है और लोइस लेन एक अमेजिंग पर्सन है और इसलिए बैटमैन यानी ब्रूस वेन उसके प्यार में पड़ जाएगा, पर सुपरमैन फिर वापस जिंदा होगा और लोइस लेन उसके पास वापस चली जाएगी। पर्सनली मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया था, और अच्छा हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना फिर से बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखने के लिए मिलती। पर चलो बैटमैन की बात हो चुकी है तो बात कर लेते हैं रूसो ब्रदर्स की, जो कि बैटमैन की मूवीज को डायरेक्ट करना चाहते हैं। पर मेरे ख्याल से बैटमैन एक डार्क और एक अच्छा कैरेक्टर है, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब इसी के साथ तेज नजरों वाले फैन ने शज़ैम 2 में से एक मिस्टेक ढूंढ निकाली है, जहाँ पर वॉल पे एक न्यूज़पेपर में ये पिक्चर लगी होती है, पर लॉजिकली इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पिक्चर वंडर वुमन की सोलो मूवी की है जो कि 1917 के हिसाब से शूट हुई थी, पर उस समय इतने आधुनिक कैमरे कहाँ से आएंगे, इसलिए एक गलती है जो कि डीसी के एडिटर से रह गई। बाकी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को।